दोस्तों मैं सूर्य, आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। 14 अप्रैल 2022 को सुनामी आई थी बॉक्स ऑफिस पर। एक काफी कमाल की फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था केजीएफ चैप्टर 2। और रॉकी भाई, जो लोगों को ऑलरेडी पता थे, पसंद थे, वो और भी पॉपुलर हो गए और पैन इंडिया सुपरस्टार कहलाने लगे केजीएफ चैप्टर 2 से। वही रॉकी भाई की जो फिल्म है केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एक साथ रिलीज हो रही है जापान में, वो भी 14 जुलाई को, यानी कि ठीक एक हफ्ते बाद आपको केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों देख सकते हैं जापान में। ये मुझे लगता है हिंदी लैंग्वेज में होगी या फिर ओरिजिनल लैंग्वेज जो है कनाडा उसमें होगी, और सबटाइटल जापानीज होंगे, और जो मुझे लगता है जापानीज ऑडियंस को पसंद आएगी ये फिल्म। और ये पहली फिल्म नहीं है जो जापान में धूम मचा रही। इस साल इसके अलावा ट्रिपल आर ने जापान में 100 हफ्ते बिताए हैं, और सबसे ज़्यादा मुथु का रिकॉर्ड जो रजनीकांत स्टार फिल्म थी 1998 की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका रिकॉर्ड तोड़ के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी ट्रिपल आर। और अब 1 सितंबर 2023 को पठान भी रिलीज हो रही है, लेकिन उसके पहले ही 14 जुलाई को, यानी ठीक एक हफ्ते बाद केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हो रही है। देखते हैं किस तरह का रिस्पांस वहां की पब्लिक देती है रॉकिंग स्टार यश को। वैसे ये काफ़ी पॉपुलर है इंडिया और इंडिया के बाहर भी। अब देखते हैं क्या कुछ धमाल उनकी फिल्म करती है जापान में। कितना अच्छा लगा आपको ये खबर जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा।